हेलो दोस्तों, ईएफएन लर्निंग के नए वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हम कोल इंडिया के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। 17% का रिटर्न पिछले एक सप्ताह में कोल इंडिया ने दिया है। तो दोस्तों, बिजनेस में क्या चल रहा है उसके बारे में जानेंगे। इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स जो कि कोल इंडिया के हर इन्वेस्टर्स को जानने चाहिए उसके बारे में दोस्तों वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात, इसके वैल्यूएशंस बहुत ही चीप है। थोड़ी देर में आएंगे हम वैल्यूएशंस के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे। जब कोयला प्रोडक्शन की बात होती है तो नियर मोनोपोली है भारत में, तो ये एक एडवांटेज है कोल इंडिया को। और दूसरी चीज है पावर सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है दोस्तों, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कोयले का यूज है। थर्मल पावर प्लांट आज भी 61% से ज्यादा का यहाँ पर कोयला बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं डिटेल एक डेटा भी मैं लेकर आया हूँ जो आपको पावर सेक्टर के बारे में समझाएंगे वहां पर थोड़ी देर के बाद दोस्तों। तो यहाँ पर भी कोयले की जो यूजफुलनेस है बहुत बढ़ती है। और कोल इंडिया एक बड़ा डिविडेंड प्लेयर तो रहा ही है। मार्च के महीने में डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ था, और फिर नवंबर जो था 2020 तभी भी डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ था। अब देखिए, इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कोल इंडिया के, ये देखिए 90,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है दोस्तों। इसको फिर भी बहुत ज्यादा नहीं बोला जा सकता है। 10 साल पहले शायद इससे भी ज्यादा का मार्केट कैप था। 10 साल में इसका रिटर्न ही बहुत ज्यादा नहीं आया है। इन्वेस्टर्स को जो मिला है वो डिविडेंड ही मिला है। तो मार्केट कैप और ज्यादा हो सकती है बट उतना नहीं है। प्राइस आप देखिए 147, अभी तो और ज्यादा बढ़ गया है, 150 से ऊपर हो गया। लेकिन देखिए ये इंपॉर्टेंट है, प्राइस अर्निंग रेशियो है इसका 7.11, ठीक है। ये सस्ता है इंडस्ट्री से 26। अब इंडस्ट्री तो अलग ही फ्रेगमेंटेड है क्योंकि कोयला अलग है, तो ये अलग ही इंडस्ट्री के साथ कंपेयर किया है तो भी 7.11 बहुत ही एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सस्ता है। बुक वैल्यू के हिसाब से देखते हैं, बुक वैल्यू है 60 की और प्राइस टू बुक है 2.44, जो कि इसको और अट्रैक्टिव बनाता है। डिविडेंड यील्ड 8.5% की है। तो 8.5% में अभी भी जो डेट प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप किसी को भी फिक्स डिपॉजिट को ले ले या कुछ डेट म्यूचुअल फंड्स को भी ले ले, तो 8-8.5% तो बहुत ही अच्छा रिटर्न बोला जाता है। तो ये तो इक्विटी है दोस्तों, तो इसके हिसाब से यहाँ पर पॉजिटिव है। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड 73%। ऐसे रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड मुझे याद आता है, मैंने एचयूएल या फिर 2-3 शेयर में ही देखे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी मजबूत है, डेट बहुत कम है, 9 के बराबर डेट है यहाँ पर। कैश जनरेटिंग कंपनी है, फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव है। लेकिन कहां पर प्रॉब्लम हो रही है, इतना अच्छा अगर कुछ भी हो तो कोई भी वैल्यू इन्वेस्टर तो छोड़े नहीं ऐसे स्टॉक को। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है ये देखिए, सेल्स ग्रोथ है 5 साल का 5%, प्रॉफिट ग्रोथ है 4%, तो यहां पर प्रॉब्लम हो जाती है। अर्निंग पर शेयर और ज्यादा बढ़े तो अच्छा है दोस्तों। अब देखिए ये, अब इंपॉर्टेंट डेटा की तरफ हम जाते हैं। देखिए अब ये लेटेस्ट डेटा है, कोयला का जो प्रोडक्शन है 3.7% हम देख सकते हैं अप्रैल के महीने में, अप्रैल 2021 में बढ़ा है। हम जब ऑफ टेक की बात करते हैं, प्रोडक्शन नहीं, ऑफ टेक दूसरी भी चीजों को यूज करता है, तो 38.4% ये बढ़ा है। दूसरी चीज है रिसीवेबल्स आर फॉलिंग। अब यहां पर क्या होता है, कोल इंडिया ने तो चलिए कोयला दे दिया सामने, लेकिन बहुत बार इनको पैसा वापस नहीं मिलता है। लगभग 20,000 करोड़ रुपया अभी भी सामने मिलने का है। तो पावर सेक्टर अभी भी बहुत ही स्ट्रेस से गुजर रहा है जब हम भारत की बात कर रहे हैं, तो वहां पर कोल इंडिया को भी एक फर्क पड़ जाता है। लेकिन अभी रिसीवेबल्स भी जो है 4,000 करोड़ तक रिसीवेबल्स कम हुए हैं। तो पहले तो 25,000 करोड़ के आसपास था, अभी 20-22 20,000 करोड़ 21,000 करोड़ के आसपास है। फिर देखिए नॉन पावर सेगमेंट में, कोयला का ऐसा नहीं है कि यूज खाली पावर सेगमेंट में हो, नॉन पावर में भी ग्रोथ अच्छा हुआ है और पावर डिमांड तो स्ट्रांग है ही दोस्तों। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, ये देखिए सेल्स ग्रोथ 7% है, प्रॉफिट ग्रोथ 6% है, लेकिन 10 साल का स्टॉक प्राइस 9% नेगेटिव है। मतलब 10 साल का नेगेटिव है, मतलब इससे भी अच्छे रिटर्न में, ऑलमोस्ट डबल प्राइस में था कोल इंडिया, ऐसा हम सोच सकते हैं। मुझे तो याद भी आता है 280-300 में भी कुछ साल पहले था दोस्तों। 5 साल का रिटर्न देखिए, सेल्स देखिए, सेल्स ठीक ठाक है, चलिए 5-7% है, प्रॉफिट भी देखिए 6-4% है, 3 साल में तो चलिए प्रॉफिट भी अच्छा हुआ है। लेकिन मार्केट ने इसको बहुत ज्यादा अतिरिक्त पनिश किया है। बहुत बार होता है कि सेल्स या प्रॉफिट ग्रोथ के आसपास प्राइस गिरता, प्राइस बढ़ता है। हमने यहाँ पर एफएमसीजी कंपनियां देखी हैं जो 8-9% का सेल्स ग्रोथ करती है और 18% का उनका प्राइस बढ़ता रहता है। तो उस हिसाब से हम देखें तो कोल इंडिया एक तरीके से उसको इन्वेस्टर्स ने कुछ ज्यादा ही हेट किया है। ईएसजी कंसर्न हो सकते हैं या किसी भी रीजन के लिए हो सकता है, गवर्नमेंट कंपनियों को भी बहुत ज्यादा पनिश किया गया है, तो कोई भी रीजन हो सकता है। बट
देखिए सेल्स तो ठीक ठाक है, प्रॉफिट भी ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन स्टॉक प्राइस को तो बिल्कुल पनिश किया गया है दोस्तों, ये तो हम देख पा रहे हैं। अब देखिए ये मैं जो स्टार्टिंग में बात कर रहा था इलेक्ट्रिसिटी पावर की बात, दोस्तों हम लोग रिन्यूएबल के बारे में बहुत सुनते हैं कि सब कुछ समझ लीजिए सोलार से चलने लग जाएगा, विंड से चलने लग जाएगा। दोस्तों इतना आसानी से इतना जल्दी ये सब नहीं होने वाला है, समझना पड़ेगा। देखिए थर्मल का अभी 61% अभी चल रहा है और रिन्यूएबल एनर्जी 123 गीगावाट की है, ये देखिए 1274 है, और उसमें से कोल इंडिया की डिमांड, कोल कोयले की डिमांड देखिए 1000 के आसपास है, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर 30 10 साल के बाद भी अगर कोई जो भारत में तो चलिए कोई पावर की डिमांड बढ़ेगी, अब आप एसी यूज कर रहे हैं 10 साल के बाद आपके घर में 2 या 3 एसी होंगे, अगर आपके पास अभी एक फैन है तो एक एसी आएगा, तो फिर पावर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ने ही वाली है। अगर आपके घर में 2 फैन है तो कल 4 फैन आएंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड तो बढ़ने ही वाली है और वो बढ़ ही रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी दोस्तों तो कोयले की भी डिमांड बढ़ेगी, तो 10 साल के बाद थर्मल की यूजफुलनेस 72% तक होने की बात है। चलिए ये तो कोल इंडिया ने कहा है, अगर पावर 8% से इंक्रीज हुआ, आपने एक की जगह 3 एसी ले लिए घर में, आपके घर में 2 फैन है उसके साथ 2 एसी भी ले लिए, तो ये तो मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आपके घर में भी इलेक्ट्रिसिटी की खपत बढ़ने ही वाली है। तो 10 साल के बाद कोयले की भी जिम्मेदारी उतनी ही रहेगी। तो कोयला कहीं ऐसा नहीं है कि कोई कहता है कि कोयला 5 साल में खत्म हो जाएगा, 10 साल में, इतना आसानी से ये सब खत्म नहीं होने वाला है, इसको हमको समझना पड़ेगा। हाँ इसके लिए जो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स तो है ही, इसके लिए हो सकता है भविष्य में रिन्यूएबल एनर्जी भी बढ़ेगी, लेकिन जैसे जैसे हमारी डिमांड है तो उस हिसाब से डिमांड भी जो कि बढ़ रही है, तो फिर दूसरी भी चीज ऐसा नहीं है कि रातों रात 10 साल में पूरा सब कुछ सोलार पार्क बन जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसे होने की संभावना बहुत कम है, तो इसको आप ध्यान में रखना है। तो इसलिए कोयला तो डिमांड में रहेगा ही। अब म्यूचुअल फंड के एक्शन क्या चल रहे हैं, और म्यूचुअल फंड में हमने देखा है दोस्तों पिछले कुछ सालों में एफआईआईज ने तो यहाँ पर स्टेक कम किया है, किसने खरीदा है, रिटेल इन्वेस्टर्स ने, उन्होंने यहाँ पर खरीदारी की है। लेकिन म्यूचुअल फंड में हम देख पा रहे हैं जैसे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड इसको बहुत खरीदता है, मिस्टर प्रशांत जैन के जो फंड्स हैं एचडीएफसी के बड़े फंड्स हैं उनके, तो वो यहाँ पर बहुत खरीदारी कर रहा है, 0.3.4 से 3.9 फिर 4.1 यहाँ खरीदारी है। निपॉन का आप देख सकते हैं, निपॉन ने क्वार्टरली यहाँ पर थोड़ा सा, क्वार्टरली नहीं टोटल पूरा साल का ही देखिए, इन्होंने खरीदारी नहीं की है, थोड़ा बेचा है। आईसीआईसीआई को आप देख सकते हैं, आईसीआईसीआई वैसे न्यूट्रल है, देखिए 1.1 था, 1.03 है, तो मैं न्यूट्रल लिख देता हूँ। फिर एसबीआई म्यूचुअल फंड 0.8 था, 0.66, फिर इन्होंने यहाँ थोड़ा सा बेचा है, न्यूट्रल से नेगेटिव है। आदित्य बिरला 0.56 से 0.46 फिर 4.7, फिर यहाँ भी इन्होंने थोड़ा सा खरीदारी की है, बेचा भी है। फिर यूटीआई ने क्या किया है, 0.17 से 0.17 वहीं का वहीं है, न्यूट्रल है। कोटक, कोटक ने यहाँ खरीदारी की है 0.06 से फिर 0.11, बहुत ज्यादा नहीं उन्होंने कोल इंडिया में स्टेक लिया है, लेकिन पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हमको म्यूचुअल फंड के एक्शन से तो न्यूट्रल ही एक्शन लग रहा है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड यहाँ बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, उन्होंने यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर खरीदारी की है जब हम कोल इंडिया की बात कर रहे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वैल्यू मिली होगी कोल इंडिया के बारे में, म्यूचुअल फंड के एक्शन बताए, पावर सेक्टर के बारे में हमने जानने की कोशिश की है, बिजनेस में क्या चल रहा है उसके बारे में हमने जानने की कोशिश की है, वैल्यूएशंस को हमने और थोड़ा डिटेल में समझा है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे, उसका हम जरूर उत्तर देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक जरूर पहुंचाइए दोस्तों। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।